नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोल्हापुर में शाहू छत्रपति और मंडलिक के बीच संघर्ष पर टिकी राज्य के लोगों की निगाहें। इन चुनाव के वक्त केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? मेरी आत्मा आम आदमी और किसानों के लिए बेचैन, पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोल्हापुर में शाहू छत्रपति और मंडलिक के बीच संघर्ष पर टिकी राज्य के लोगों की निगाहें। महाराष्ट्र में लोगों के बीच उत्सुकता का केंद्र रही कोल्हापुर लोकसभा सीट पर भले ही 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कड़ी टक्कर शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद संजय मंडलिक और कांग्रेस उम्मीदवार शाहू छत्रपति के बीच ही है। कोल्हापुर के सामाजिक जीवन में छत्रपति घराने को लेकर लोगों में आस्था है, इसलिए महायुति ने मान गद्दी का वोट मोदी को अभियान पर जोर दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने मान गद्दी का और वोट भी गद्दी को ही जैसा अभियान छोड़ा हुआ है। दोनों सियासी मोर्चों के नेता जीत के लिए जोर अजमाइश में लगे हैं। यह संसदीय क्षेत्र उन कार्यकर्ताओं की भूमिका पर निर्भर रहने वाला है जो बगावती रुख अपनाकर नेताओं के हाथ से निकल गए हैं। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। इन चुनाव के वक्त केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जीवन और स्वतंत्रता को बेहद अहम करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि उन्होंने इन लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपर सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कई सवाल पूछे और शुक्रवार को इनका जवाब मांगा। पीठ ने राजू से कहा, जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। पीठ ने मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने और गिरफ्तारी की कार्यवाही के बीच की लंबी अवधि को भी चिन्हित किया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। मेरी आत्मा आम आदमी और किसानों के लिए बेचैन, पवार। रकांपा के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भटकती आत्मा वाले तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी आत्मा किसानों और आम आदमी के कारण अस्वस्थ है और इन लोगों की पीड़ा को उजागर करने के लिए वह 100 बार बेचैन होने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर सोमवार को एक रैली में शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था, महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है, यदि इसे सफलता नहीं मिलती तो यह दूसरे के अच्छे काम को खराब कर देती है, महाराष्ट्र इसका शिकार रहा है। एक चुनावी सभा को मंगलवार को संबोधित करते हुए पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के 2016 के उस बयान को याद किया जो उनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आने के बारे में था। पवार ने कहा, कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में एक भाषण दिया था जिसमें कहा गया था कि वह पवार साहब की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे। कल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा 45 वर्ष से बेचैनी पैदा कर रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।